हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है tradingfab.in पर। आज निफ्टी में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। 245 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है। तो यूएस ने रेट हाइक कर दिए, उसका सीधा असर यहाँ पर भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला। जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट इजिली अचीव हुए। जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो सेकेंड टारगेट ने यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस का काम किया, कई बार इस लेवल को पेनेट्रेट किया, जैसे ही फेल हुआ और भी गिरावट निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। तो ये रहा आज का 5 मिनट का सिनारियो, कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा था। अभी कल हफ्ते का लास्ट दिन है, तो क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं ये देखते हैं। लेकिन उससे पहले डेली चार्ट को देख लेते। ये डेली चार्ट है निफ्टी का, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कल का दोजी और उसके बाद ये जबरदस्त रेड कैंडल बना हुआ है और अब ये 400 के लेवल के पास आ चुका है, जहाँ से इसने 2-3 दिन पहले बाउंस बैक किया था। तो यहाँ पर ये पैटर्न क्रिएट हुआ है, इवनिंग स्टार दोजी जैसा पैटर्न क्रिएट हुआ है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल डाउन ट्रेंड का सिग्नल देता है। अगर आपको याद होगा यहाँ पर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, तो अभी ये इसी लेवल के आसपास है, 23.6% के पास। तो ये अगर प्रीवियस स्विंग लो जहाँ से ये बाउंस बैक हुआ था 3 दिन पहले, ये ब्रेक कर देता है तो हमें सीधा निफ्टी ये जो 38.2% का लेवल है आप देख सकते हो, इसी के पास इसने कई दिनों पहले सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था और अभी 50 DMA का ये जो ब्लू लाइन है ये भी इसी लेवल के पास आ रहा है। तो 18,150 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अगर ये स्विंग लो ब्रेक होता है, इसके नीचे आर्ली चार्ट में अगर सस्टेन करता है, कोई कैंडल बनती है, तो 18,150 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इंडियन मार्केट देखे तो काफ़ी स्ट्रांग है, बुल्स बार बार हर एक गिरावट पे काफ़ी ज़ोरदार तरीके से एंटर हो रहे हैं। ये जो अभी ग्लोबल न्यूज़ आई है रेट हाइक की, उसके वजह से ये इसका असर यहाँ पर देखने को मिला है। कल हो सकता है हमें कल यहाँ से फिर से एक बार छोटा बाउंस बैक देखने को मिले, और अगर ये जो फिर से इसने ये जो स्विंग हाई बनाया है ये अभी काफ़ी क्रूशल हो जाता है, इसको ब्रेक कर देगा तो निफ्टी और भी तेजी दिखा सकता है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अगर ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे ये स्विंग लो अगर ब्रेक हो जाता है तो थोड़ा सा और गिरावट हमें यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में आते हुए देखने को मिल सकती है। ये मामूली गिरावट है, निफ्टी ज़बरदस्त यहाँ से अप ट्रेंड दिखा चुका है और उसके बाद ये जो छोटा करेक्शन है ये आना भी लाजमी होता है, क्योंकि अगर बड़ा मूव दिखाना है तो 2 स्टेप पीछे आना भी ज़रूरी है। चलते अभी 60 मिनट के चार्ट के ऊपर। कल यहाँ पर हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा अराउंड 18,388 और इसके नीचे फर्स्ट टारगेट का लेवल बनेगा हमारा अराउंड 18,359 और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 18,333। अगर गैप डाउन गैप अप ओपन होता है तो वेट करें, दोबारा से ये जो मार्क किया है लेवल्स को ब्रेक करके आगे बढ़ेगा, तभी यहाँ पर पोजीशन लेना सही साबित होगा। ऊपर की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा अराउंड 18,453 और उसके ऊपर फर्स्ट टारगेट का लेवल होगा 18,481 और सेकेंड टारगेट का लेवल होगा 18,509। तो ये निफ्टी के लेवल से, अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी जो हमने कल लेवल्स मार्क किए थे, आपको हमारा कल का वीडियो देखना है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो ये काफ़ी देर एक साइडवेज पैटर्न में था 12 बजे तक, उसके बाद ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट अचीव हुआ। जैसे कि बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों से बुलिश चल रहा है तो मानना ये था कि यहाँ से सपोर्ट लेवल से यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन जो लास्ट का 1 घंटा बचा था 2:30 PM के बाद में, वहाँ पर तो एक ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर इजीली अचीव्ड हुए फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट। अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए 60 मिनट के चार्ट को फॉलो करते हैं। ये रहा 60 मिनट का चार्ट। 60 मिनट के चार्ट में आप लोग क्लियरली दिखाई दिया रहेगा कि ये जो 100 EMA का लाइन है ये अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, एग्जैक्ट इसी के पास लो बनाया और थोड़ा सा ऊपर आके ये क्लोज हुआ। तो अभी कल के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल है ये अराउंड होगा आज के लो के जस्ट नीचे, यानी 43,379। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट बनेगा 43,313 और सेकेंड टारगेट होगा 43,247। ऊपर की तरफ अगर निफ्टी जाने लगते हैं तो हमारा ब्रेकआउट का लेवल होगा 43,631। इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट बनेगा ये ब्लू लाइन जो कि अराउंड 43,690 के पास है 50 EMA का, और सेकेंड टारगेट होगा 43,760।
तो ये है बैंक निफ्टी, निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। कल के वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जो आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा उसको ठीक से फॉलो करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब का एक छोटा सा इंट्रो। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है, एंजल ब्रोकिंग है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो प्रीमियम मेंबरशिप है इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस बैंक निफ्टी ऑप्शंस की, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, सपोज अगर आपको जीरोधा का अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है तो एक वेब पेज ओपन होगा, आपका नंबर यहाँ डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, रेडी है तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद हमें आपको इस नंबर पे कॉल करना है, ये इस नंबर पे, ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।